सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अल्काइंस। यहाँ पे देखो, इट कंटेन एटलीस्ट, इतने बॉन्ड होने चाहिए अल्काइन में, 1 ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ? CN H2N-2। इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन। ओके, फॉर फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2O, इट गिव्स C2H2 मतलब इथाइन, और इसके साथ कौन फॉर्म होगा? CaOH ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर CH2Br इसके साथ हम KOH रिएक्ट करेंगे विथ अल्कोहल, तो बोलो यहाँ क्या, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट अगर हम सोडामाइड के साथ करेंगे, किसके साथ? सोडामाइड मतलब Na+NH2-, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आपको बताना है C1 कार्बन 1 टू कार्बन 3, इसका नेचर क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, बताओ। हाँ, गैसेस। नेक्स्ट 8, C4 टू C12, क्या नेचर है इसका? हाँ, लिक्विड्स। नेक्स्ट अदर मतलब हायर, क्या है इसका नेचर? सॉलिड्स। नेक्स्ट है कलर के बारे में बताओ इसके। ऑल आर कलरलेस, ठीक है। और ऑर्डर के बारे में बताओ। सिर्फ इथाइन को ऑर्डर होती है, बाकी सारे क्या होते हैं? ऑर्डरलेस, ठीक है। नेक्स्ट, अल्काइंस आर लाइटर देन, किससे लाइट होते हैं? वाटर से, लाइटर देन वाटर, एंड अल्काइन सोल्यूबल इन, बोलो, सॉल्वेंट्स लाइक कौन से? इथर, ठीक है, इथर्स, कार्बन एसेट्रा। अब लास्ट देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, हाँ क्या होगा? विथ इंक्रीज इन मोलार मास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके। पहले रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, अगर किसी भी अल्काइन के साथ अगर हम H2 रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बोलो, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम फिर से डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन फॉर्म होगा? CH3CH3। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स, सिंपल रिएक्शन है, इथाइन के साथ अगर हम हैलोजन रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बोलो क्या फॉर्म होगा? CH3 डबल बॉन्ड CHBr। अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बाद में कौन फॉर्म होगा? CH3 CBr CBr। ओके, नेक्स्ट CH Br Br, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, सिंपल है फिर से, हाँ बोलो, इथाइन को अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन फॉर्म होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, हाँ क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। अगर
इसको अगर फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, सी एच बी आर टू सी एच थ्री। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, इथाइन को वाटर के साथ मिक्स करो, लेकिन हमें पता है इथाइन मतलब कोई भी एल्काइन वाटर के साथ इनसोल्यूबल है, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एडेड टू अल्काइन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट, क्या मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, उसके दो टाइप्स है, पहला है लीनियर पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस, क्या फॉर्म होगा बोलो, पॉलीइथाइन, पॉली इथाइन, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ इथाइन अगर पॉलीमराइज करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट की चेन हमें मिलेगी, ठीक है, रिपीटिंग चेन। नेक्स्ट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यहां पे अगर नंबर ऑफ पॉली इथाइन हम मिक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, रेड हॉट आयरन रॉड, आयरन ट्यूब के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, यहां पे बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको ही हम ऐसे निकाल सकते हैं।